हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल आज का वीडियो जॉब्स के रिगार्डिंग रहने वाला है आज के वीडियो में एक लेटेस्ट जॉब के बारे में आपको बताऊंगा एक लेटेस्ट लेटेस्ट भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपको बताऊंगा तो ये भर्ती प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आई है जिसके तहत आंगनवाड़ी के अंदर हेल्पर एवं वर्कर के पदों पर वैकेंसीज निकली हुई हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी डायरेक्टली इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन इसके अंदर होने वाला है तो जो जो भी कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानने के इच्छुक हैं या कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो तो ज़्यादा समय मना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू ये देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग पानीपत की तरफ से ये एक एडवर्टाइज़मेंट इसको हम कह सकते हैं कि ये एडवरटाइजमेंट जारी किया गया है जिसमें पानीपत के अंदर जो छः खंड हैं वहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर के रिक्त पदों को भरने के हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं यानी कि ये आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसीज वहाँ पे अभी हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा और कहाँ कहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से खंड में निकली हुई हैं जैसे कि महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी पानीपत ब्रांच के अंदर है उसके बाद समालका के अंदर है इशराना के अंदर है बापोली के अंदर है और मतलोडा के अंदर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं तो इसमें सबसे पहले ये जो आंगनवाड़ी हेल्पर के पद हैं जो कि एक दो तीन चार पाँच छः छः खंडों के अंदर ये निकले हुए हैं छः खंड प्लस एक पानीपत को मिलाकर सात जगह पर आंगनवाड़ी हेल्पर के पदों पर ये निकली हुई हैं उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर के पदों पर वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो ये इशराना बपोली और पानीपत ठीक है इसमें ये निकली हुई हैं जिसमें आगे गांव और कलोनी या वार्ड का नाम भी दिया गया है कि, कि किस गांव में या किस कलोनी में किस वार्ड में आंगनवाड़ी जो है वहां पे तो किस आंगनवाड़ी के अंदर ये वेकेंसीज निकली हुई हैं ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि अगर हम संभाल की बात करें तो हथवाड़ा करहस आटा डिकाडला चुलकाना और किवाना तो ये गांव हैं इन गांवों के अंदर ये आंगनवाड़ी हेल्पर के पदों पर वैकेंसीज निकली हुई हैं तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ ये जितने भी आंगनवाड़ी हेल्पर के पद हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं तो उसके इंटरव्यू होने हैं एक दिसंबर से चार दिसंबर के बीच ठीक है तो अगर आप आंगनबाड़ी हेल्पर के पदों पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना आवेदन फॉर्म या आवेदन पत्र छब्बीस ग्यारह दो हज़ार बीस तक जो है जमा करवाना होगा कहाँ पर जिस भी एरिया से आप आवेदन करना चाहते हैं जिस भी गांव के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ का जो महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय है वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा या आवेदन पत्र मिलेगा और वहीं पे उसको फिल करके आपको उसी कार्यालय में 26 नवंबर 2020 तक जमा करवाना होगा किस किस डेट के लिए अगर आप एक दिसंबर से चार दिसंबर के बीच जो साक्षात्कार होंगे या इंटरव्यू होंगे उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 26 नवंबर 2020 तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना होगा ठीक है और अगर आप 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को होने वाले इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अपना आवेदन फॉर्म 1 दिसंबर 2020 शाम पाँच बजे तक ये जो है जमा करवाना होगा ये दोहरी प्रति में जमा करवाए जा सकते हैं रिक्त पदों के साक्षात्कार ये जो डेट्स दी गई हैं जैसे कि एक दिसंबर से शुरू होंगे इंटरव्यू दो दिसंबर को होगा तीन दिसंबर को होगा चार दिसंबर को होगा दस दिसंबर को होगा उसके बाद ग्यारह दिसंबर को होगा ठीक है तो ये यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है तो मैं क्या है सबसे पहले आप अपने नियर बाई जो भी महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय है वहाँ पर जाइए उनको आपको बोलना होगा कि जो जो भी वैकेंसीज निकली हुई हैं आंगनवाड़ी हेल्पर या आंगनवाड़ी वर्कर के पदों के लिए उसका एप्लीकेशन आप आपको जो है उनसे मांगना होगा तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको देंगे उसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके अपनी पूरी डिटेल भर के उसी कार्यालय में आपको उसको जमा करवाना होगा या तो आप 26 ग्यारह 2020 तक जमा करवा सकते हैं या फिर आप 1 दिसंबर 2020 तक जमा करवा करवा सकते हैं अगर आप आंगनवाड़ी हेल्पर के पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो छब्बीस नवंबर दो हज़ार तक आपको जमा करवाना होगा अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर के पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक दिसंबर दो हज़ार बीस शाम पाँच बजे तक आप ये जमा करवा सकते हैं तो उसके बाद ये जो साक्षात्कार की जो डेट दी हुई है तो ये इस डेट को आपका इंटरव्यू होगा और किस टाइम पर होगा ये होगा सुबह दस बजे कहाँ पर महिला एवं बाल विकास पानीपत का जो कार्यालय है उसमें कमरा नंबर दो सौ तेरह सेकेंड फ्लोर पे है लघु सचिवालय यानी कि जो सिक्रेटरेट होता है वहाँ पे आपका पानीपत के अंदर इंटरव्यू होगा तो ये डिटेल है इस आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में बेसिक डिटेल्स है ये और फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं तो आज इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि आंगनवाड़ी के अंदर वर्कर और हेल्परों के पदों पर वैकेंसीज निकली हुई हैं पानीपत का के जो खंड पड़ते हैं जैसे कि ईशराना है संभालका है मतलोडा है बापोली है या पानीपत इट्स तो वहाँ वहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर अप्लाई कीजिए और डायरेक्टली इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होना है कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देना कोई भी फ़ीस आपको पे नहीं करनी है तो यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथ ही इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो तो आज के इस वीडियो में इतना ही एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत